अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम लोग बात कर रहे थे लंग कैंसर की मेडिसिन में, यानी ब्रोंकोसाइटिक कार्सिनोमा की। तो कुछ बातें उसमें से रह गई थी। मैंने आपसे कहा ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से बेतहाशा एमसीक्यू एसीक्यू आपको मिलेंगे, इस वजह से आपने इसको ना अच्छे से करना है। अच्छा, मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आपके, बल्कि बता रही थी हो सकते हैं, उसमें आपसे कहा था कि पैनकोस ट्यूमर और हॉर्नर सिंड्रोम को ना आपने किसी सूरत भी नहीं भूलना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन और आपके अक्सर ना सिनेरियो में आ रही होती है। सिनेरियो में वो अक्सर आपको देते हैं कि पेशेंट ने जब टिपिकल ओल्ड एज स्मोकर कफ हेमोप्टिसिस डेड ब्रेथलेसनेस और वेट लॉस के साथ प्रेजेंट किया और उसके साथ उसको हाइपरकैल्सीमिया हो गया, मतलब अक्सर हाइपरकैल्सीमिया देते हैं, या फिर उसको कह देते हैं कि सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन है और उसके साथ उसको वीकनेस है अपर आर्म में, सॉरी वीकनेस है उसको लैटरल मीडियल साइड ऑफ आर्म में, और इस तरह की कोई बात कह देते हैं, मतलब आपको वीकनेस ऑफ आर्म बता देंगे, या फिर उसको साथ कहेंगे कि म्योसिस उसका प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्टेड है और आईलिड पार्शली ड्रूप डाउन हुई हुई है। ठीक है, जाहिर है वो आपको म्योसिस एंड हाइड्रोसिस या प्टोसिस तो नहीं लिख के देंगे ना, वो ऐसी बातें बता देंगे, तो ये बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, आपने इसलिए जहन में रखना होता है। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि नर्व ट्रैप किस किस जगह पर हो सकती है, आपकी सिंपैथेटिक नर्व ट्रैप होंगी, हॉर्नर्स हो जाएगा, पैनकोस्ट हो जाएगा, ब्रेकियल प्लेक्सिस में इंटरकोस्टल होगी तो पेन होगा, प्लूरा इन्वॉल्व होगी तो पेन होगा। मीडियास्टिनल स्प्रेड का मतलब है मीडियास्टिनम में कोई भी स्ट्रक्चर तक कैंसर जा सकते हैं, जाहिर है कैंसर लंग में है और लंग के अलावा आपकी मीडियास्टिनल कैविटी में हार्ट पड़ा हुआ है, मेजर वेसल्स पड़ी हुई है, तो अगर हार्ट की पे इन्वॉल्व करेगा पेरिकार्डियम ऑफ द हार्ट सबसे पहले होता है, जाहिर है हार्ट है ना ये आपका, इसके गिर्द आपकी लेयर्स हैं, उसमें आपका पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है। ठीक है, पेरिकार्डियम में अगर जाएगा पहले, वो सबसे पहले हार्ट की कवरिंग में जाएगा, तो पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकती है और उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। फिर ऊपर आपकी सुपीरियर वेना कैवा है, नीचे आपकी इन्फीरियर वेना कैवा है, मेजर वेसल्स है। सुपीरियर वेना कैवा अगर सपोज ट्यूमर इस जगह पर है और वो सुपीरियर वेना कैवा के ऊपर दबाव डाला ऑब्स्ट्रक्ट कर है, तो जो ब्लड है आपका वो सुपीरियर वेना कैवा में आपकी पूरी फेस वाले रीजन से आ रहा है, तो फेस वाले रीजन से जो ब्लड इधर आना था, नीचे की तरफ आना था और चेस्ट से आना था और अपर आपकी आर्म्स से आना था, वो सुपीरियर वेना कैवा में नहीं आ सकेगा। क्यों नहीं आ सकेगा? क्योंकि ये सुपीरियर वेना कैवा था, उसको ऊपर से ट्यूमर ने दबा दिया, तो पीछे ब्लड सारे एरिया में पूलिंग होने लग जाएगी, यानी आपका फेस पे आपको फ्लशिंग और साइनोसिस नजर आएगा, क्योंकि पीछे वीनस ब्लड कलेक्टेड है और वो आगे नहीं जा पा रहा। चेस्ट की वेन्स आपको डायलेटेड नजर आएंगे, क्योंकि चेस्ट के ब्लड ने इधर आना था वो नहीं आ पा रहा, तो उससे पता चल जाएगा कि ट्यूमर है जो कि आपके सुपीरियर वेना कैवा को भी ऑब्स्ट्रक्ट करे। इन्फीरियर को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो नीचे वाले ब्लड नहीं आ पाएगा, नीचे की वेन्स डायलेट होने लग जाएंगी। ठीक है, इसी तरह आपके हार्ट को अगर मजीद अंदर जाके इरिटेट करेगा, मतलब अगर मजीद हार्ट को, तो एरिथमिया आने लग जाएंगे। अगर ये वाली सारी बातें, मतलब जो जो मीडियास्टिनम के स्ट्रक्चर्स है उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। एओर्टा और मेजर वेसल्स को अफेक्ट करेगा तो उसकी अलग मैनिफेस्टेशन होगी। मेटास्टेसिस, जो डिस्टेंट मेटास्टेसिस मैंने आपको बताया बोन में होता है तो बोन को इरोड करता है, हाइपरकैल्सीमिया करता है। ब्रेन में होता है तो ब्रेन के जैसे फीचर्स आते हैं। किडनीज में जाएगा तो किडनी में इरोड करेगा, कोई ना कोई एंजाइम की सेक्रीशन, हार्मोन की सेक्रीशन को खराब कर देगा, तो ये हिसाब है। फिंगर क्लबिंग का मतलब ये आपने देखा होगा क्रॉनिक लंग डिजीजेज एंड क्रॉनिक लिवर डिजीज में होता क्या है कि आपके ना टिश्यूज में, खासतौर पर ये जो आपके फेलिंग्स के नीचे वाला सॉफ्ट टिश्यू है ना, इनमें एडिमा होने लग जाते हैं। एडिमा होने की वजह से क्या होता है कि क्लब फिंगर्स ना आपकी इस तरह से उभर जाते हैं, नेल्स बेसिकली उभर जाते हैं और उभर के उनकी शेप हो जाती है कुछ ऐसे करके ऊपर से। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्लब नेल्स। और जब आप ऐसे लोगों का यू करके वो बनवाते हैं ना शेप, तो इनके बीच में वो डायमंड नहीं बनता, जिसको हम सिंपल लफ्जों में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो क्लबिंग इज अ वेरी कॉमन फीचर ऑफ क्रॉनिक लंग डिजीज या क्रॉनिक लिवर डिजीज। आपको उनके नाखून ना उंगलियों के गोल गोल नजर आएंगे और ऐसे उभरे उभरे नजर आएंगे, बड़ी जरूरी चीज होती है। फिर आपके पास एक फीचर है हाइपरट्रोफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी HPOA। इसका मतलब होता है ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी के ज्वाइंट्स और बोन्स इन्वॉल्व हो रही है, बेसिकली जो आपकी टिबिया फिबिला वाली बोन्स है ना, उनकी अक्सर औकात ही हो जाता है कि आप समझ लें कि कवरिंग्स में ना इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब ऑस्टियाइटिस टाइप चेंजेस आने लग जाते हैं, एडिमा होने लग जाते हैं, स्वेलिंग होने लग जाती है ज्वाइंट्स की, जो कि अक्सर आपकी एसोसिएटेड होती है ये लंग ट्यूमर के साथ। मैंने आपको कहा ना इससे एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस होती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लंग ट्यूमर के साथ एसोसिएटेड नहीं है, मोस्ट कॉमनली लंग कैंसर में हो जाता है, लेकिन बाकी कैंसर्स भी कर सकते हैं। फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी फीचर्स तो बहुत सारे हैं इसके, लेकिन आपने जो एक दो याद रखने हैं वो ये वाले हैं कि सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन, कि ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से एंटी डायुरेटिक हार्मोन की सिक्रीशन बहुत बढ़ा देता है, जिसकी वजह से एंटी डायुरेटिक हार्मोन का मतलब ये है कि पानी कंजर्व ज्यादा होने लग जाएगा बॉडी में और एक्सक्रीट कम होगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनेगा, जिससे ये किडनी स्टोन्स और किडनी इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, रीनल इन्फेक्शन और वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके साथ साथ आपका एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो है आपका, जो पिट्यूटरी से एक और हार्मोन आना है ACTH, उसकी सिक्रीशन भी ये बहुत ज्यादा इन्हांस कर सकते हैं।
उसके अलावा इसके काफी सारे और एक्स्ट्रा पल्मोनरी फीचर्स हैं। आपके पास एक डेविडसन में टेबल बना है, उसको लाजमी एक नजर देख लेना आपने, क्योंकि वो फीचर्स आपको वैसे पता होने चाहिए, जरूरी नहीं है हमेशा है आते ये वाले मेन में हाइपरकैल्सीमिया आ जाता है, SIDH आ जाते वगैरह वगैरह। अच्छा आपके पास, अब आपने इसको इन्वेस्टिगेट किस तरह से करना होता है, ये भी एक लंबी थोड़ी सी कहानी है, क्योंकि ज्यादा ट्यूमर है तो आप जस्ट एक्सरे कराते हैं ना, ट्यूमर पे कुछ भी नजर आ सकते हैं। अगर ट्यूमर छोटा है तो हो सकता है आपको एक्सरे पे सिर्फ एक छोटी सी जगह पर एक मैस नजर आए व्हाइट कलर की। ट्यूमर बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो हो सकता है आपका इधर उसने एक ब्रोंकस को इन्वेड किया, ये पूरा लंग एटेलेक्टेसिस हुआ, तो हो सकता है कि आप जब एक्सरे कराएं तो आपको नजर आए कि सिर्फ ये एरिया सारा ब्लैक है, या आपको ब्लैक नजर आए जैसे आना चाहिए, ये सारा व्हाइट आपको नजर आएगा। व्हाइट क्यों नजर आएगा, क्योंकि पूरा लंग एटेलेक्टेसिस हुआ है, लंग है ही नहीं। आप यहाँ पर सुनेंगे आपको एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स मिलेंगी, आप यहाँ पर वो चेक करेंगे, ऑस्कल्टेट करने की कोशिश करेंगे, आपको ब्रेथ साउंड सुनाई नहीं देगी, क्योंकि ये एरिया सारा लंग कोलैप्स है। तो चेस्ट एक्सरे में आपको ये व्हाइट नजर आएगा, इतनी बड़ी मैनिफेस्टेशन होगी। हो सकता है चेस्ट एक्सरे में आपको प्लूरल फ्यूजन नजर आए, आपको सारा प्लूरा पानी से भरा नजर आए, बाकी सब ठीक नजर आए। तो चेस्ट एक्सरे में डिपेंडिंग अपॉन के कैंसर क्या कर रहा है अंदर, कुछ भी नजर आ सकता है, मतलब वाइड वैरायटी है। फिर आपने सीटी स्कैन कराना, तो सीटी स्कैन हमेशा आपको स्टेजिंग में हेल्प करता है, क्योंकि सीटी स्कैन में आपके स्लाइसिस आपको बताते हैं कि लिम्फ नोड में कितना मेटास्टेसाइज हुआ है। सीटी स्कैन आप चेस्ट का कराएंगे, आपको चेस्ट के लिम्फ नोड्स पता चलेंगे, चेस्ट में मीडियास्टिनम के बाकी स्ट्रक्चर्स का पता चलेगा, हार्ट का और आपकी मेजर वेसल्स का। तो हमेशा स्टेजिंग के लिए आप सीटी स्कैन इस्तेमाल करते हैं। फिर आपने जाहिर है जब स्टेजिंग करनी होती है तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंट मेटास्टेसिस है कि नहीं, उसके लिए आपने बाकी एरियाज का फिर सीटी स्कैन करना होता है, अल्ट्रासाउंड करना होता है, बोन्स का, आपके एब्डोमेन का, आपके हेड एंड नेक का, ताकि आपको पता चले कहाँ कहाँ पर ये गया हुआ है। जो आपके स्मॉल सेल कैंसर होते हैं ना, आपको कैसे पता चले कि कैंसर है कि नहीं, जरा कैंसर को पहले डिटेक्ट करना है ना। आपने एक्सरे किया, आपको एटेलेक्टेटेड लंग मिला, आपको शक हुआ कि ये कैंसर जैसा पेशेंट ने हिस्ट्री बता रही है, तो आपको जाहिर है कैंसर का तो हमेशा बायोप्सी में पता चलेगा, जब आप उसके सेल्स को बाकायदा निकालेंगे और उनको एक उसके नीचे देखेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे व्यू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये मलिग्नेंट है या नहीं है, उससे आपको पता चलेगा। उसके लिए दो तरह से बायोप्सी आप ले सकते हैं, एक तो ये कि आप ब्रोंकोस्कोपी करें, ब्रोंकोस्कोपी का मतलब है कि आप एंडोस्कोप यानी कैमरा डालेंगे, जिस तरह आप ब्रोंकाई में कैमरा डालते हैं नॉर्मली, ब्रोंकोस्कोपी के लिए फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोप आप ले लें, वो आप डालें, और वही ब्रोंकोस्कोप के जरिए आप थोड़ा सा ब्रशिंग यानी कि आप वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई से थोड़ा सा मटेरियल भी एक्सक्लूड कर लें, तो वो आपकी हो जाती है कि आपने साथ बायोप्सी भी कर ली, तो वो बायोप्सी एसोसिएटेड विद ब्रोंकोस्कोप भी हो जाती है। लेकिन जाहिर है आपकी ब्रोंकोस्कोप सेंट्रल एरियाज तक तो जा सकती है, मेजर ब्रोंकाई तक तो जा सकती है, लेकिन छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स में नहीं जा सकती। अगर आपका ट्यूमर ज्यादा पेरिफेरल है तो फिर आपको क्या करना होता है, बायोप्सी तो आपने लेनी है, फिर आप परक्यूटेनियस नीडल बायोप्सी लेते हैं, यानी आप स्किन के जरिए एक नीडल को लेके जाएंगे अंदर और उससे आप बायोप्सी लेके वापस आएंगे। अब जाहिर है आप ब्लाइंडली तो नहीं कर सकते, अल्ट्रासाउंड गाइडेड या सीटी स्कैन गाइडेड आप करते हैं, मतलब बाहर से अल्ट्रासाउंड आप कर रहे हैं और आप नीडल इधर से अंदर लेके जा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड पे आपको नजर आ रहा है कि आपकी नीडल कहाँ जा रही है, वो आपने स्पेसिफिक एरिया में लेके जानी है जहां आपको सबसे ज्यादा शक है और वहां से आपने बायोप्सी ले लेनी है। लेकिन बायोप्सी आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। जिनकी बहुत ज्यादा सेंट्रल होती है ना मैसेज, मतलब कि एक मेजर ब्रोंकस में है मैस, उनमें आप अगर स्प्यूटम साइटोलॉजी करें, मतलब आप उनका उनसे कहेंगे आप अपना बलगम कलेक्ट करके हमें दे दें, अपना स्प्यूटम दे दें, और आप स्प्यूटम में चेक करें कि मेलिग्नेंट सेल्स है या नहीं, उसकी साइटोलॉजी का मतलब यही होता है सेल्स को चेक करना, तो आपको उधर भी मेलिग्नेंट सेल्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि आप देखें एक ये मेरा बड़ा ब्रोंकस है, यहाँ पर एक ट्यूमर मैस पड़ा हुआ यूं, तो जब पेशेंट खांसी करेगा तो खांसी के साथ ये स्प्यूटम के सेल्स भी हो सकते हैं कि कुछ ना कुछ उसके बलगम में स्प्यूटम में चले जाएं, तो वो जब आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई पेरिफेरल ट्यूमर है तो वो तो उसके स्प्यूटम में जाना बहुत ही अनकॉमन सी बात है, तो फिर आपको फायदा नहीं होता। लेकिन स्प्यूटम साइटोलॉजी आपने करनी जरूर होती है, उससे आपको काफी हद तक फायदा हो भी जाता है। ठीक है, अगर आपको जरा सा भी शक है कि प्लूरा में भी जा रहा है, तो आपने प्लूरा के प्लूरल फ्लूइड को अलग से निकाल के और उसकी भी बायोप्सी करनी है। बेस्ट जो बेस्ट तो नहीं, लेकिन अगर आपको इतना सब कुछ करने के बावजूद भी नहीं पता चल पा रहा कि कैंसर है, यानी मतलब आपने सपोज चेस्ट आपकी हिस्ट्री कह रही है कि कैंसर होगा, चेस्ट एक्सरे पे भी आपको अजीबोगरीब चीजें नजर आएंगी, एटेलेक्टेसिस वगैरह नजर आया, लेकिन आपने ब्रोंकोस्कोपी की, आपको ब्रोंकोस्कोपी में आपने ब्रशिंग्स ली, लेकिन आपको उससे कोई खास फायदा नहीं हुआ, आपको नहीं कुछ नजर आया। ठीक है, स्प्यूटम साइटोलॉजी पे आपको कुछ भी नहीं मिला, आपको फिर भी लग रहा है कि पेरिफेरल ट्यूमर है, तो फिर आपको एक्सपर्ट्स के जरिए थ्रैकोस्कोपी करानी होती है। थ्रैकोस्कोपी का मतलब होता है कि आप ही कैमरा डायरेक्ट डालते हैं इधर से स्किन से लैटरल साइड ऑफ चेस्ट में, मतलब आपने बाहर से ही कैमरा, जिस तरह आप लैप्रोस्कोप डालते हैं ना, उस तरह आप थ्रैकोस्कोप अंदर डालते हैं
और आप उस कैमरे में दो तीन पोर्ट्स आपने करने होते हैं, दो तीन इंसिजन देने होते हैं लेटरल साइड ऑफ स्किन पे, और आपने डायरेक्ट देखना होता है लंग को, एल्वेलाई को, ब्रोंक्यूल्स को, तो ये बेस्ट प्रोसीजर है। मतलब देखने में सबसे ज्यादा आसान, सबसे ज्यादा क्लियर हमें थ्रैकोस्कोप में नजर आता है, लेकिन बहुत इन्वेसिव है, इसलिए हम इसको सिर्फ एंड में करते हैं अगर हमें बहुत जरूरत हो, वरना हमारी कोशिश होती है कि हम ऊपर से ही डायग्नोसिस एस्टेब्लिश कर लें। जब हमें डायग्नोसिस बायोप्सी से पता चल जाता है, फिर हमने स्टेजिंग करनी होती है, और स्टेजिंग के लिए हमें लिम्फ नोड और डिस्टेंट मेटास्टेसिस देखना होता है, और उसके लिए हमें सीटी स्कैन से हेल्प लेनी होती है। लेकिन अगर हमें बहुत ज्यादा शक हो रहा है कि बोन्स में है और बोन्स में हमें वैसे नहीं पता चला, तो फिर बोन्स में भी बायोप्सी लेंगे हम और चेक करेंगे, और पेरिकार्डियम में तो पेरिकार्डियल फ्लूइड के बायोप्सी लेंगे। तो इस तरह हमें फिर मतलब डिपेंडिंग अपॉन के कैंसर के क्या हालात है, उस तरह से हमें चेक चलते रहना होता है। ठीक है, मैनेजमेंट में सर्जरी को मेन स्टे रखते हैं हम। वैसे तो आपको पता है कि हमेशा कैंसर की मैनेजमेंट दो तरह से होती है, एक होती है उसकी रेडिकल मैनेजमेंट, रेडिकल थेरेपी का मतलब होता है क्यूरेटिव थेरेपी, यानी वो थेरेपी जो पेशेंट को ठीक कर देगी, क्योर कर देगी। दूसरी होती है पेलिएटिव थेरेपी, पेलिएटिव का मतलब है वो थेरेपी जो सिर्फ उसके सिम्टम्स को ठीक करेगी, लेकिन पक्का कैंसर कभी भी ठीक नहीं होगा। तो रेडिकल सर्जरी तब हम करते हैं जब कैंसर छोटा होता है, लोकलाइज्ड होता है और मेटास्टेसाइज नहीं किया होता, फिर हम उसको सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं अलोंग विद रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी साथ उससे देनी होती है ताकि उसकी रिकरेंस को रोका जा सके, तो वो आपका काफी बेहतर होता है। रेडियोथेरेपी आपकी कैंसर की रिकरेंस को बहुत ज्यादा रोकती है। रेडिकल रेडियोथेरेपी भी दी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि स्मॉल सेल लंग कैंसर होते हैं और वो छोटे होते हैं और वो भी मेटास्टेसाइज नहीं होते, तो आप उनको रेडियोथेरेपी से ही खत्म कर देते, सर्जरी भी नहीं करते। ठीक है, और अगर आप उसके साथ कीमोथेरेपी यानी ड्रग्स ऐड कर देंगे तो आपका रेडियोथेरेपी का इफेक्ट और ज्यादा अच्छा हो जाता है और आपका पेशेंट का सर्वाइवल रेट और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट जिनमें डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो चुका होता है, उनमें आप फिर हाली पेलिएटिव थेरेपी देते हैं, जिसमें आपने रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी कंबाइन देनी तो है, लेकिन वो सिर्फ सिम्टम्स ऑफ पेशेंट को कम करेगी, उसकी पेन को कम कर देगी। अगर सुपीरियर वेना कैव ऑब्स्ट्रक्टेड है तो उसके ऑब्स्ट्रक्शन को डिक्रीज कर देगी, ट्यूमर का साइज कम हो जाएगा वगैरह। कीमोथेरेपी में आपका विनक्रिस्टीन, डॉक्सोरुबिसिन, साइक्लोफोसामाइड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, ये आपने याद रखने हैं, और उसके अलावा टोपोसाइड। ये सारी ड्रग्स तो आपने फार्मा में पढ़ी थी, लेकिन ये नाम आपने याद रखने, कुछ जो इस्तेमाल बहुत ज्यादा होते हैं। लेजर थेरेपी भी आप पेलिएटिव थेरेपी में करते हैं, मतलब अगर आप किसी पेशेंट के सिम्टम्स बहुत ज्यादा हैं, वो ऐसे ठीक नहीं हो रहे, तो आप कोशिश करते हैं आप सीटी स्कैन गाइडेड लेजर थेरेपी करें और उसके ट्यूमर के साइज को रिग्रेस करने की कोशिश करें। क्योंकि आपको पता है कैंसर के पेशेंट को हमेशा एंजाइटी, डिप्रेशन और ये वाले फीचर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो कोशिश ये होती है कि अच्छे सेंटर्स में उनकी मैनेजमेंट की जाए, जहां पर उनकी न्यूट्रिशनल सपोर्ट का, खाने पीने का और उनकी साइकोलॉजिकल सपोर्ट का खास ख्याल रखा जाए, उनके डिप्रेशन एंजाइटी को भी रिलीव किया जाए साथ साथ, और साथ साथ उनकी जो भी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है वो की जाए। यहां पर बात खत्म करते हैं। किसी को कोई भी मसला हुआ है कि नास्मी, थैंक यू।